खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सर्व यादव समाज की ओर से समाज के 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिले के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छत्तीसगढ़ सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु सहित सैकड़ों की संख्या में जीपीएम जिले के यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। यादव समाज समय समय पर वर्षों से अपने 3 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर के आवाज उठाते रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान रखते हुए पूरा नहीं किया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर यादव समाज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर समाज के किसी व्यक्ति को इस 2024 लोकसभा चुनाव में मौका मिलेगा तो पूरा यादव समाज उनका समर्थन करेगा। मुद्दे कई हैं, पर हम विशेष मुद्दे 2-3 प्रकार के हैं। जो साधराम हत्याकांड है, कवर्धा में हुआ है, उसकी न्यायिक जाँच हो, CBI जाँच हो। और दूसरा मुद्दा वनांचल में जो हमारे यादव भाई रहते हैं और यादव भाइयों की अवहेलना की जाती है अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा, क्योंकि उनका कई वह जल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चरवाहे के रूप में रहते हैं और वो जंगल जमीन पे रहते हुए उनको भू अधिकार का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। क्या ये सरकार का न्याय योजना के तहत है? ये सरकार क्या हमसे न्याय कर रही है? अभी पिछली सरकार ने क्या निर्माण करवाया था? गौठान। उस गौठान निर्माण का धरातल में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इस सरकार से भारी अपेक्षाएं हैं हमारी और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को भी तवज्जो दिया जाए। हमारा समाज छत्तीसगढ़ राज्य में 2nd लार्जेस्ट जनसंख्या की समाज है, उसके बाद भी हमारे समाज की अवहेलना की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? आगामी लोकसभा अगर सरकारी हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम सब हर्ष समाज सरकार के साथ रहेंगे। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ लेता है तो हमेशा हम सरकार के साथ रहेंगे, अन्यथा हमारी आंदोलन उग्र होगी और तेज होगी। आपकी मांगे पूरी ना होने पर क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, हमारे पास जो अधिकार है हम वो उसका उपयोग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री रमेश यदु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा जाएगा और बड़े जोरों से रखा जाएगा। आज हम लोग यादव संखनाथ के नाम से आज ये कार्यक्रम रखे हैं। प्रमुख रूप से यादव समाज का जो पहला अधिकार होता है कि वो वनांचल स्थानों में हमेशा से निवासरत है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उनके सामने एक समस्या है कि वनांचल वन अधिकारी और राजस्व और अड़ोस पड़ोस से आए दिन विवादों की स्थिति बनती रहती है। इसको विवाद का कारण सिर्फ एक ही एक है कि हमारा वन अधिकार पट्टा नहीं। हम शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत हैं और वहाँ गौ पालन करते हैं, खेती भी करते हैं, घर भी बना के वहीं रखे हैं, लेकिन हम अभी तक पट्टा नहीं मिला है तो हम किस बेस पे वहाँ रहें? जब मन चाहे प्रताड़ित कर अलग कर दिया जाता है। एक मामला जलेश्वर का भी आया है, उनका जमीन को ले लिया गया है भाई साहब अभी तक काल में, लेकिन उसी के बगल में एक बाबा है उनको पट्टा दिया गया उसी जमीन पर और वो बाउंड्री करके बाकायदा कब्जा करके बैठा है और हमारे समाज के लोग भी दखल कर दिया है। तो ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको भी इतना अधिकार दिया जाए कि हम कई पीढ़ियों से रह रहे हैं तो हमको पट्टा दिया जाए। आपकी जायज मांगों की पूर्ति होने पर क्या आंदोलन रहेगा आपके? आपका आंदोलन रहेगा, हम लोग समाज के लोग हमेशा न्यायप्रिय लोग हैं, न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जिले से अभी आगाज हुई है और प्रदेश अध्यक्ष जी से मालूम पड़ा है कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। सभी यादव भाइयों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील मैं ये सिर्फ ये करना चाहूँगा कि अपनी लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए हम अभी भले आज कुछ कम संख्या में हैं, लेकिन आगे जरूरत पड़ा तो बहुत सारे एक घर से पति पत्नी लड़के बच्चे सब इकट्ठा होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित ही शासन हमारे समाज के लोग बरसों से निवास जी 100 साल हो गया, 150 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया और बरसों से निवासरत होने के बावजूद भी आज तक उनके पास वनांचल क्षेत्र में निवासरत का पट्टा नहीं, जिसके कारण आए दिन वन विभाग के अधिकारी चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी जब पाते हैं तब हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कभी कोई बथान उखाड़ देता है तो कभी गाय भैंस को अंदर कर देते हैं, कभी बर्तन को खा लेते हैं, तो कभी घी मांगते हैं, तो कभी और कुछ करते हैं। इससे ज़्यादा प्रताड़ित हमारा समाज है, इसलिए सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश है कि 2005 के पहले जो लोग निवासरत थे उनको वन भूमि का पट्टा दिया जाए, लेकिन आज पर्यंत तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। इसलिए आज एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने कलेक्टर के सामने मांग रखने का
सांकेतिक रूप से एक बैठक करके और ज्ञापन सौंपने के लिए सौंपे हैं। दूसरा ये है कि यादव समाज की जनसंख्या पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 लाख की है और जिस समाज की जनसंख्या 35 लाख हो उसकी राजनीतिक रूप से पूरा उपेक्षा हो रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, आज चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो तो, चाहे भी वर्तमान सरकार में हो।